गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है गुड़ी पड़वा। आज बहुत सारे प्रांतों का न्यू ईयर भी है और आज से चैत्री नवरात्रि भी शुरू हो रही है। पीछे हमारे सोसाइटी में रैली निकली है गुड़ी पड़वा की, हर साल निकलती है। आज इसी दिन हम शाम को ज़मीन पे गए थे तो इन्होंने नोटिस किया वापस ये टायर की हवा निकल रही है कि बार बार ही निकल रही है और रोज़ इनको सुबह हवा बननी पड़ती है। याद है वो पिकनिक के दिन ये पंचर दिखा रहा था तो उस दिन हमने वो लिक्विड डाल के पंचर रिपेयर किया था, लेकिन वो पंचर परमानेंट रिपेयर नहीं हुआ था, कुछ फंसा हुआ था ये लग रहा था ऐसे। एक बार बीच में हमने दिखाई भी थी लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बार बार हवा निकल रही थी तो फिर आज वापस लेके आए यहाँ पे। तो बोले अभी देखो खोल के, इन लोगों ने चेक करके देखा सही में पंचर निकली है। अभी देखते हैं क्या है, फंसा हुआ है अंदर, किस चीज़ का पंचर है ये। देखिए ट्यूबलेस टायर को कैसे पंचर रिपेयर लोग कर रहे हैं, इसे खोल रहे हैं कैसे। क्या था खिला है? क्या खिला है, क्या है निकालो। ये देखिए इस चीज़ के लिए बार बार हवा निकल जा रही थी। यहाँ पे वर्कशॉप में खड़ी थी तो मुझे याद आया कि सोसाइटी के बाहर से मुझे दूध भी लेना था, तो इधर तो खड़े रहना ही है, फिर सोसाइटी के बाहर की वेट क्यों करूं। यहाँ पे है एक शॉप दिख रहा है, यहाँ से दूध ले लूँगी। ये दूध का पैकेट है, गोल्ड ही दे दीजिए। मैं गोल्ड बोला था, गोल्ड उन्होंने नहीं दिया, ताज़ा निकाल दिया था, तो मैंने बोला ताजा ही दे दो, ले लिया दूध। अब यहाँ पे बैठ के मैं वेट करूँगी। शाम का सिलवासा देखिए, ये नरोली रोड है। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रहे हैं। यहाँ से हाईवे समृद्धि मार्ग जो है बहुत नज़दीक से जा रहा है और बुलेट ट्रेन का भी जो रूट है वो भी बहुत नज़दीक से जा रहा है, तो डेवलपमेंट का काम यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा है। तो बाप रे तो आवाज़ क्या ना है, आवाज़ ही भय भेज।
सिलवासा में मच्छर बहुत है। पंचर भी रिपेयर हो गया, व्हील भी लग गया। अब मैं घर आ गई और आप लोगों से बातचीत करते हुए डिनर की तैयारी करने लगी। सुख और दुख हमारे जीवन के दो हिस्से हैं। सुख और दुख का जो रेशियो भगवान ने बना के इंसान के जीवन में दिया है, उसमें सुख का हिस्सा ही ज्यादा है। दुख तो आता तो जरूर है, बट सुख ज्यादा समय तक टिकता है और दुख थोड़े टाइम के लिए टिकता है, गहराता है, फिर वो चला भी जाता है। ऐसे ही एक आदमी के जीवन में दुख आया, दैट मीन्स स्ट्रगल उसके जीवन में उतर आया और वो भगवान पे भरोसा रख के, चलो सुख भी जैसे अपना लिया वैसे दुख भी हम अपना लेते हैं, उसने भी वही भरोसा रख के अपना लिया। फिर दुख के रास्ते पे चलते 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 स्ट्रगल और कठिन होता गया, कठिन होता गया, कठिन होता गया। फिर एक समय के बाद कठिन से कठिनतर होते 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 एक समय के बाद वो कठिन समय निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान वापस अपने सुख के जीवन में लौट आते हैं। तो ऐसे ही उसने जीवन निकाला। जब उसके जीवन में अंतिम दिन आया और वो भगवान के पास पहुंचा, फिर भगवान से वो एक सवाल करता है कि भगवान, मैंने हमेशा आपके ऊपर भरोसा रखा है, कभी आपके ऊपर से भरोसा मेरा टला नहीं है। फिर आपने, जब मेरा बहुत दुख का टाइम था, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो भगवान फिर उसको दिखाने लगते हैं कि देख, तुझे कैसे लगा कि मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया। तो मैंने बहुत दूर तक ऐसे लगा मुझे कि आप मेरे हाथ पकड़ के चल रहे हो। तो भगवान ने तब उसको विजुअलाइज करवाता है कि देखो, ये तुम चल रहे हो तुम्हारे रास्ते पे, और यहाँ पे आपको दो और दो चार पैरों की निशान दिख रहे हैं। दो तो तुम्हारा है, बाकी दो किसका है? तो बाकी दो मेरा है, मेरा मीन्स भगवान का। भगवान बोलते हैं ये बाकी दो जो था ये मेरा है, तो मैं आपके साथ ही था, आपने सही सोचा, मैं आपके साथ आपके हाथ पकड़ के चल रहा था। फिर कुछ देर ऐसे ही चलते 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 दो पैर देखना बंद हो जाते हैं, चार पैर की जगह पे दो पैर की निशान दिखते हैं। तब उस आदमी ने कहा, देखो भगवान, अभी तो दो ही पैर दिख रहे हैं, ये तो मेरा दो पैर है, मैं तो इसी रास्ते पे चल रहा था, आपके दो पैर तो नहीं दिख रहे। तो भगवान धीरे से थोड़ा मुस्कुराए और बोले, पगले, ये दो पैर तेरे नहीं है, ये दो पैर मेरे हैं। तू तो मेरे कंधे पे बैठा हुआ था, जब तू बहुत ज़्यादा तकलीफ में था मैंने तुझे अपने कंधे पे बिठा के रखा था।